चाय पी लीजिए। दामिनी मैंने कहा ना नहीं पीनी है मुझे। याद है मम्मी जब मैं छोटी थी और दूध नहीं पीती थी तो आप किस तरह दूध का गिलास लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी और जबरदस्ती करके दूध पिला देती थी। आज मैं उसका बदला लूंगी और आपको जबरदस्ती चाय पिलाऊंगी। दामिनी कहा ना मुझे नहीं पीना है, समझ में नहीं आती तुझे बात। मम्मी क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं गुस्से में नहीं नाराज हूं। किससे मम्मी? तुझसे। मुझसे? लेकिन मैंने क्या किया मम्मी? कहां गई थी तुम? वो दामिनी झूठ मत बोलना मुझसे। तुम पर जो मेरा विश्वास है ना भगवान के लिए उसे मत तोड़ना। ठीक है अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी और उस पर विश्वास करना होगा क्योंकि मेरे पास अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दामिनी सच क्या है वो बताओ। मम्मी किसी ने मुझे फोन करके कहा कि उसे आशियाना के बारे में कोई जरूरी बात करनी है तो मिलने चली आऊं और मैं मिलने चली गई। वहां जाकर देखा तो हरिलाल भी आया हुआ था। उससे बात करने के बाद पता चला कि उससे भी किसी ने जरूरी बात कहकर बुलाया है। मिला कोई वहां तुझे? नहीं मम्मी वहां कोई नहीं आया था। हम दोनों तो काफी देर तक इंतजार भी करते रहे पर कोई आया ही नहीं। ऐसा कोई क्यों करेगा? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है मम्मी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे झूठ कहकर गई हूँ? किसी ने तुझे और हरिलाल को एक साथ में देख लिया था और फिर उसे मोबाइल पे शूट करके हमें दे दिया। कहाँ है दिखाइए। कृष्णा के फोन पे उसने मुझे दिखाया था। मम्मी आप ही सोचिए कोई एमएमएस भाभी के सेल पे क्यों भेजेगा? आपके या पापा के सेल पे क्यों नहीं भेजेगा? अरे क्योंकि वो उसकी सहेली थी इसलिए उसके मोबाइल पे भेजा उसने। देखिए मम्मी जो सच था मैंने आपको कह दिया है। दामिनी इस सच को कौन मानेगा? दुनिया तो वही मानेगी ना जो उसे दिखेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है जब तुम्हारे पापा को इस बात का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। मम्मी मैं गलत नहीं हूं इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और जहां तक पापा का सवाल है अगर पापा को पता चल गया तो जो सच है मैं उन्हें बता दूंगी। दामिनी ये सब क्या है? किसी ने मुझे मेरे मोबाइल पर तुम्हारा एमएमएस भेजा। मम्मी ने सब कुछ बता दिया भाभी और मेरी बात मम्मी से हो गई है। जो सच था मैंने उन्हें बता दिया है। लेकिन मैं दुनिया से क्या कहूं? अरे जिसने वो एमएमएस शूट किया है वो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। अगर उसने मेरे फ्रेंड सर्कल को बता दिया तो कितनी बदनामी होगी। वो लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? देखिए भाभी आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो दामी? हम दुनिया में जीते हैं और दुनियादारी निभानी पड़ती है। फिर अगर किसी ने भी मुझसे सवाल जवाब किया तो मैं क्या कहूंगी? और अगर मैंने गुस्सा किया या उल्टी सीधी बात की तो वो तुम्हारी बहुत बदनामी करेगी। तो अब आप ही बताइए भाभी कि अब मैं क्या करूं? लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मिलने तुम गई थी हरिलाल से और उल्टा मुझे सुना रही हो। देखिए भाभी मैं हरिलाल से मिलने नहीं गई थी, मुझे वहां धोखे से बुलाया गया था। अच्छा ये बात किस किस को समझाओगी दामी? आपको किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम ही बोलो क्या कहूं मैं उनसे? ये बात मम्मी जी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी फैल गई और तो और मुझे दो तीन कॉल्स भी आ चुके हैं। वाह
क्या बात है भाभी, मेरे घर पहुंचने से पहले आपको ये MMS पहुंच गया, और तो और आपके फ्रेंड्स के फोन भी आने लगे। आपका नेटवर्क तो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें शायद पता नहीं तुम बाहर कितनी देर रही, क्यों रही, किसके साथ रही, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन अगर लोग हमसे पूछेंगे तो हमारी बहुत बदनामी। MMS में ऐसा क्या है जो मैं डरूं? भंडारी परिवार की बेटी एक सुनसान जगह एक अजनबी से मिलती है, हमारी बदनामी के लिए इतनी ही न्यूज काफी है। कौन बदनाम करेगा मुझे भाभी? मुझे तो लगता है इस MMS में आपसे ज्यादा किसी और को कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो लगता है इस MMS में आपसे ज्यादा किसी और को कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही इस न्यूज में किसी को दिलचस्पी है। और वैसे भी मैं हरिलाल से बस मिलने गई थी और कुछ नहीं। वाह, अरे मुझे नहीं तो किसे इस बात की चिंता हो? आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, कोई भी सवाल जवाब होंगे तो मुझसे होंगे, बदनामी होगी तो हमारे घर की होगी। मैं किस किस को समझाती फिरूंगी, कितना झूठ कहूंगी? आखिर लोग तो यही पूछेंगे ना कि दामिनी और हरिलाल के बीच में क्या रिश्ता है। आप और लोग बस यही सुनना चाहते हैं ना कि हमारे बीच क्या है। ठीक है, कह दीजिएगा कि हम दोनों के बीच में प्रेम है। दामिनी दीदी,